मथुरा के पुलिस परेड ग्राउंड को होने वाली 26 जनवरी की परेड के लिए सतरंगे स्वरूप में सजाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस विभाग के करीब 150 जवान जी जान से जुटे हुए हैं। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस का आयोजन मनाने के लिए यूं तो समूचे देश में अलग अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं। अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की, तो यहाँ मथुरा पुलिस लाइन पर भव्य आयोजन हर वर्ष की भांति किया जाता है और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं उनको आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम मथुरा के पुलिस परेड ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो कि सिविल लाइन स्थित है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इस राष्ट्रीय पर्व को भव्यता देने के लिए इसमें जुटे हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जो परेड ग्राउंड है उसको बड़े भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इसी जगह पर 26 जनवरी यानी कि कल जब आयोजन होगा तो यहाँ भव्य परेड होगी और राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही अलग अंदाज में पुलिस विभाग द्वारा मनाया जाएगा। और उसी के लिए देख रहे हैं कि ये जो स्थल है, मंच है, यहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में शैल्यकांत मिश्र, जो रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं, वो आएंगे। और इसी जगह पर यहाँ आप अशोक की लाट देख रहे हैं, यहाँ ध्वज होगा, राष्ट्रीय ध्वज ध्वजारोहण होगा और उसी के सामने यहाँ परेड होगी और परेड के वक्त सलामी का कार्यक्रम ही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ बड़े ही एक भव्यता के साथ यहाँ पुलिसकर्मी हैं, वो इस रंगोली को सजा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये परेड की जब मार्च पास्ट होगा तो इसी जगह पर ये जो आप देख रहे हैं हरी पट्टी है और गुलाबी पट्टी है, पीली पट्टी है, कई तरह की जो पट्टी सजाई गई हैं इसी से होकर यहाँ से मार्च पास्ट होगा। और पुलिस विभाग की जो 8 टुकड़ियाँ इसमें भाग लेगी और उसके अलावा पुलिस विभाग के जो विभिन्न दस्ते हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या डायल 112 है, 10-50 है, वो सब इसी जगह से होकर एक साथ निकलेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, हालांकि इस बार कोरोना है तो कोरोना की वजह से जो यहाँ विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होते थे इस बार उनका उतना नहीं है, बस संक्षेप में होगा। केवल पुलिस मॉडर्न स्कूल है, उसी स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेंगे और वो कार्यक्रम करेंगे। अन्यथा यहाँ दर्जनों मथुरा के चुनिंदा स्कूल के छात्र छात्राएँ भाग लेते थे, बड़े ही भव्य आयोजन होते थे। और आप देखिए तैयारी के लिए यहाँ पुलिस विभाग के लोग उसको सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। आकर्षक ढंग से यहाँ इसको सजाया जा रहा है और अपने कलात्मक ढंग से, अपने जो रचनात्मकता है उसका यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और इसको कुछ ही देर बाद देखिए रंगीन, पहले उसका एक डायग्राम बना रहे हैं और फिर उसमें सफ़ेदी है और विभिन्न कलर हैं उनको भर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी 2 दिन पहले जब यहाँ रिहर्सल हो रही थी परेड की दिखाया तो बिल्कुल सपाट ग्राउंड था, लेकिन अब वो एक अलग तरह का रंग लेता जा रहा है। जो मार्च पास्ट का जो मैदान है उसमें देखिए रंगीन पट्टियां बिछ चुकी हैं, उसको रंगोली के रंगों से सजाया है। आइए जो सजा रहे हैं इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की आकृति आप यहां बना रहे हैं और क्या क्या चीज़ इसमें प्रयोग की जा रही है। आपका शुभ नाम? PTI सुबोध कौशिक। सुबोध जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में और आपके सहयोगी यहाँ लगे हुए हैं, तो इसको क्या क्या चीज़ इसमें प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ बुरादा है और गेरू है, सभी 8 प्रकार के हमारे कलर हैं। सभी जितनी फाइलें हैं सभी फाइलों में जितनी लाइन हमारी फार्मेशन से गुजरेंगी और उसी कलर का बुरादा बिछा हुआ है। यहाँ हमारे PTI पुष्पेंद्र गौतम, PTI सांकेल और PTI बालकिशन जी लगे हुए हैं और RTC हमारा बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग है। कितने लोग जुटे हुए हैं इसमें सजाने संवारने में पूरे परेड ग्राउंड को? हमारे 144 रिक्रूट हैं और 4 PTI हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। ITI उस्तादों का हमारा पूरा सहयोग है साथ में और सभी का बहुत बड़ी सहयोग लगा हुआ है। एक बार और बताइए जो 8 कलर का आपने बताया इसका क्या महत्व है? ये लकड़ी का बुराता है जिसको होली वाले कलर मिलाकर के हम लोग तैयार करते हैं ग्राउंड को सजावट। बताना कि 8 आपके फॉर्मर होंगे तो 8 अपने कलर यहाँ 8 टोलियाँ, विभिन्न अलग अलग टोलियाँ हैं परेड में जो सम्मिलित हैं, तो एक टोली में 7 फार्मेशन हैं, 7 फाइल हैं, तो 7 कलर की आपके सामने सभी अलग अलग कलर की वो दिखाई दे रही हैं। और परसों अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बारिश होने के बावजूद हमने काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद ग्राउंड को परेड योग्य बनाया है। बिल्कुल सही कहा, पिछले एक हफ्ते से बात करूँ तो मथुरा का जो मौसम है आसपास के जनपदों में वो भी काफ़ी ख़राब रहा, बड़ा चिंतित हो रहे थे परसों जब परेड हो रही थी, यहाँ SP लाइन साहब थे, लेकिन फिर भी बड़े धैर्य का अपना परिचय देते हुए पुलिसकर्मियों ने आज जब जैसे धूप खिली है तो मैदान भी खिल उठा है। और आइए इनसे भैया से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नितिन कुमार सर जी। ये जो आप डिजाइन बना रहे हो आप अपने दिमाग से बना रहे हो या कहीं से प्रशिक्षण लिया था? नहीं, डिजाइन अपने दिमाग से ही बना रहे हैं, एक बिल्कुल सेम बनाना है, जैसे सेम बना रहे हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पे गोला बना दिया था। कहाँ से सीखा आप? नहीं, वो तो अपना
कलाकारी है, कुछ गुरुजी हैं, गौतम गुरुजी हैं, पीटीआई गौतम पुरुषोत्तम। कितनी देर में इसको पूरा तैयार कर लेंगे? इसे गोला बनाने में भी आधा घंटा करीब लग गया। फूल बना रहे हैं, अब इस पर कलर हो रहा है, सफ़ेदी हो रही है, फिर इसके बीच में कलर डाला जाएगा। तो देखिए सब लोग बड़े उत्साह के साथ है। सबसे बड़ी बात है एक तो किसी आदेश का पालन करना, एक खुद अपने अंतर मन से उस कार्य में जुटना, और आखिर ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और 73वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। आप किस पद पे? ट्रेनिंग हो रही है मेरे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा उत्साह मिल रहा है। 26 जनवरी मनाई जा रही है। दो चीज़ मैं बात बता रहा हूँ, एक जब घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, हम उसमें भी उत्साह के साथ जुड़ते हैं, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस। उसमें परिवार भी सर पुलिस ही है, यही परिवार है, इसलिए हमारा घर का ही पर्व है ये। तो आप मतलब एक साल पूरा इंतजार करते होंगे इस कार्य के? यस सर, 26 जनवरी हो रही है। तो इस बार कैसी तैयारी है, कैसा सज जाएगा? आगे साथ शाम तक बहुत तैयार हो जाएगा सर। देखिए सब कह रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और राष्ट्रीय पर्व, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अब पुलिस में आ गए तो पुलिस ही उनका परिवार है, और पुलिस के बीच होने वाले सब आयोजन उनके पारिवारिक एक आयोजन की तरह है। तो हम एक बार फिर से 73वीं बार अपने भारत वर्ष का गणतंत्र दिवस मनाने के तैयार हैं, और भगवान कृष्ण की इस भूमि मथुरा जनपद में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर एक बार फिर से भव्यता के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, और उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल जब आप बुधवार को यहां आओगे तो ये जो यहां का नज़ारा है वो देखते ही बनेगा, और हम निश्चित तौर से आपसे निवेदन भी करेंगे कि अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व में अधिक से अधिक संख्या में, यदि आप मथुरा में हैं तो मथुरा के पुलिस परेड ग्राउंड पर आएँ और इस कार्यक्रम की भव्यता दिव्यता को आप देखें और उसके सहभागी बने। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। श्रीजी ऑटो राधापुरम चौराहा NH2 मथुरा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं। साथ ही ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स भी दिल्ली के रेट पर मथुरा में हमारे यहाँ मिलते हैं। कृपया एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। मोबाइल नंबर ऑफिस 8077859451, 9927844555 और सेल्स नंबर है 8057088594। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।